भैया इन्होंने आपकी पॉकेट से पैसे चुराए हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है तू, कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए। अरे मेरी तो जेब कट गई। अरे भैया मेरे तो पैसे चोरी हो गए, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठे किए थे, बैंक में जमा कराने आया था ताकि उसकी शादी हो जाए, मेरे भैया पैसे चोर गए। बहन जी मेरे पैसे दे दो प्लीज। वाह अब समझ आया तू नौटंकी क्यों कर रहा है, क्योंकि तुझे अपनी बहन की शादी करनी है और हम अमीरों से ना तू पैसे ऐंठना चाहता है। अच्छा आप लोगों ने पैसे नहीं चुराए? नहीं। तो कोई दिक्कत ना, अपनी तलाशी दो, ये पर्स दिखाओ मुझे। रानीश ने मुझे गलत तरीके से छुआ है, मुझे लगता है ये दोनों ना मिले हुए हैं और ऐसे यहाँ पे लड़कियां छेड़ते हैं। तू कुछ कर। ठीक कह रही है तू। अबे ओए चल पीछे, पैसे होते नहीं है बैंक में आ जाते हैं। भैया मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ मेरे जेब में पैसे थे। हाँ भैया मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर, आप टेंशन मत लो मैं कुछ करता हूँ। भैया आपके यहाँ जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमें इसकी फुटेज देखनी है। नहीं भैया ये सीसीटीवी वर्किंग में नहीं है। हाँ तो वर्किंग में होते तो कौन सा हम दिख जाते उसमें, क्योंकि हमने तो पैसे लिए ही नहीं है। और आपने क्या ये बैंक में शोर मचा रखा है, चुपचाप लाइन से आओ और अपने पैसे जमा करवाओ। कहाँ से पैसे जमा कराएं जब इन लोगों ने पैसे चुराए लिए तो? ऐसा है अगर आपने पैसे ना चुराए तो आप चेक इन कराओ, ठीक है? तू बहुत देर से बोले जा रहा है, है? चेकिंग करेगा हमारी, हमने पैसे लिए, आ जा ले चेकिंग करो हमारी। तू इसको गलत तरीके से टच कर रहा है, और तू होता कौन है इसके चेकिंग करने वाला? मैं कौन होता हूं? मैं इंस्पेक्टर अनूप चहल। बेटा अब प्यार से ही चेक इन कराओगे या फिर मैं जबरदस्ती चेक इन करूं? चलो पैसे निकालो। इंस्पेक्टर साहब आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लड़की है चोर, इसी ने पैसे चुराए हैं। रानी तो झूठ क्यों बोल रही है, उल्टा तू मुझे यहां लेके आई थी चोरी करने के लिए। ये नौटंकी और कहीं करना। भैया ये लो आपके पैसे। लोगों की शिकायत तो आ रही थी कि जब बैंक की लाइन में खड़े होते हैं तो उनके पैसे चोरी होते हैं। तुम्हारी काफी दिनों से तलाश थी, आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया हमने। बेटा तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ। इन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की बहन बेटी को जेल जाना पड़े, इनको माफ कर दो। देखा बेशक से गरीब है पर इसका दिल बहुत बड़ा है, अब भी इसने तुम्हें माफ करने की बात कही है। तो इंस्पेक्टर साहब आपने हमें माफ कर दिया? अगर हम तुम्हें माफ कर दें तो तुम कहीं और जाके चोरी करोगे, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह जेल में। दरोगा टिंकू सर इनका तो ऐसा इलाज कर देंगे, इनकी सात पुश्तें याद रखेंगी।